सामाजिक विज्ञान की क्लास में बहुत स्वागत है बच्चों। अपन ने अभी इसके पहले संविधान निर्माण वाला पाठ पढ़ा था। संविधान निर्माण के निर्माता कौन है, संविधान निर्माण कैसे हुआ, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसा था, उसकी विशेषताएं क्या थी, ये सब अपन ने पाठ के अंतर्गत पढ़ा। आज संविधान निर्माण से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, प्रश्न उत्तर में है नीचे लिखे हुए जो एनसीईआरटी की बुक में आपको बुक में कुछ दिखेंगे प्रश्न, वो है नीचे दिए कुछ गलत वाक्य दिए गए। नीचे जो आपको ये आपको का नंबर का जो है प्रश्न, नीचे दिए गए हर एक में से किसी गलती को पहचाने और उसे अध्ययन के आधार पर आपको उसको ठीक करके लिखें। तो पहला है स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो गया या नहीं। इस विषय पर स्वतंत्र आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा, तो इसमें क्या गलती है इसको सुधार के आपको उत्तर पर लिखना है। तो स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो यहाँ तक आपको लिखना है। फिर इस विषय पर आपको या नहीं लिखकर काटना है, इस बार लिखना है, इस वाक्य को शुद्ध करके ऐसे या नहीं आपका नहीं लिखा जाएगा। इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था, तो ये आपका जो प्रश्न है वह सही हो। फिर है भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। वो जो भारतीय संविधान बना उसके जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो क्या उसके हर बात जो कही गई उस पर सब नेता सहमत थे? तो भारतीय संविधान का आंसर है बच्चों, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत नहीं थे, क्योंकि तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, इसलिए वह इस बात फिर से हर बात पर संविधान सभा के जो सभी सदस्य थे वो संविधान सभा की बात पर सहमत, हर एक व्यक्ति का हर एक नेता सहमत नहीं था। संविधान सभा के सभी विषयों पर खुलकर विचार किया जाता था और निर्णय विचार विमर्श के बाद बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। मतलब जब संविधान बना अपना तो उस विषय पर सभी नेता मिलकर और अच्छे से बैठकर खुलकर चर्चा करते थे और सभी लोग विचार करके विचार विमर्श करने के बाद बहुमत के आधार पर क्या करते थे, बात को हर बात के लिए क्या होते थे, विचार विमर्श करने के बाद उस बात के लिए सहमत होते। तो आगे देखेंगे इसके बाद कि जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। मतलब जिन देशों में संविधान है वहां का देश मतलब वहां का संविधान कैसा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो जो लोकतांत्रिक शासन वाले थे, जरूरी नहीं है लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान होना जरूरी होता है। मतलब जो देश लोकतांत्रिक होंगे वहां पर संविधान होना क्या होगा, जरूरी होगा। लेकिन हर राज्य ऐसा कई देश है जो लोकतांत्रिक शासन वहां पर नहीं। फिर संविधान देश का सर्वोच्च होता है, इसके इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा बच्चों, भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। भारतीय जो संविधान था वहां के मतलब जो संविधान निर्माता जो नेता थे उनको लगा कि भावनाओं के अनुरूप ही चलना चाहिए, समाज में बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समाज जो सामाजिक प्रथाएं वो तो एक साथ ही चलती हैं। उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। मतलब जो संविधान है उसको समय समय पर उस पर क्या किया जा सकता है, संशोधन या बदलाव किया जा सकता है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। मतलब किसी देश का अगर मान लीजिए भारत का संविधान है, अगर उसमें समय समय पर अगर कुछ बदलाव करना चाहें तो या संशोधन करना चाहे तो उसको उस पर विचार करके उस पर संशोधन सदन
संविधान के लिए इसका सर्वोच्च कानून का है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है कि समय समय पर इस पर आप क्या करेंगे, बदलाव कर सकते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? तो जो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसका सबसे महत्वपूर्ण, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है पहला है दक्षिण अफ्रीका में उसने पड़ोसी देशों का, स्त्री और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक या आश्वेत बहुसंख्यकों का, या रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक या आश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो दक्षिण अफ्रीका जो लोकतांत्रिक संविधान है वहां पर किससे टकराव था? तो इसका ऑप्शन है गोरे और अल्पसंख्यक श्वेत आश्वेत बहुसंख्यकों का। तो वहां पर जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था वहां पर जो विरोध हो रहा था गोरे लोग थे, जो गोरे मतलब वहां पर रंग भेद की रंग भेद वाला जो था उसके कारण वहां पर दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में वहां पर जो टकराव था वह गोरे अल्पसंख्यक आश्वेत लोगों से था। फिर देखेंगे कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता, जो लोकतांत्रिक संविधान है इसमें कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो यहाँ पर पहला है, इसका ऑप्शंस है शासन प्रमुख अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार या देश का नाम। तो शासन प्रमुख का नाम इसका सही आंसर है, शासन प्रमुख का नाम। फिर है संविधान निर्माण में इनमें से और उनकी भूमिका में से मेल बनाइए। जो इसकी आपको संविधान निर्माण के लिए जो आपके भूमिका निभाने वाले जो थे उनकी आपको क्या बनानी है, मेल सही जोड़ी बनाना। तो मोतीलाल नेहरू क्या थे इसके और सदस्य थे, और बी आर अम्बेडकर कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। तो इसका इसकी सही जोड़ी में बनेगा तो मोतीलाल नेहरू, इसका आपका काका ऑप्शन ये हो गया, और बी आर अम्बेडकर जो हो गए वो इसका काका सही आंसर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, और मोतीलाल नेहरू कौन थे, संविधान सभा के सदस्य। तो ऐसे ही आपका आंसर हो गया। फिर है जवाहरलाल नेहरू की नियति के साथ साथ साक्षरता वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो नेहरू जी ने कहा था कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं। तो जो नेहरू जी ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में नेहरू के नियति के साथ साक्षरता वाले भाषण के आधार पर एक प्रश्न है, नेहरू ने कहा है कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं। तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में नेहरू जी ने कहा था कि भविष्य आराम करने और सुस्ताने का नहीं होता, बल्कि वादों को क्या जो वादे किए थे जनता से उनको पूरे करने के लिए हमें निरंतर क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, हम जिसे हम अक्सर किया करते हैं। मैंने एक शपथ भी, एक शपथ आज हम लेंगे। तो नेहरू जी ने कहा कि आज हम एक शपथ लेंगे कि भारत की हम क्या करेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है कि दुख और परेशानियों को परेशानियों से लड़े और लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि जो लोग परेशान हैं लाखों करोड़, जब भारत का बंटवारा हुआ तो लोग आर्थिक रूप से मानसिक रूप से हर प्रकार से क्या थे, दुखी थे। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमें भारत की जनता की क्या करना है, सेवा करना है, उनका दुख और परेशानियों से मतलब जो लोग दुख और परेशानियों से लाखों लोग जो थे उनकी क्या करनी है, सेवा करना है। तो इसका अर्थ है कि दरिद्रता का
अज्ञान और बीमारी का अवसर असमानता का हमें क्या करना है, अंत करना है। और महानतम आदमी की कामना हर आंख जो हर आंख में आंसू को पोंछने की थी, तब कोई व्यक्ति दुखी ना हो, परेशान ना हो। तो उनका ये क्या था, एक उनकी जो शपथ थी या जो प्रतिज्ञा थी, वो भारत की जनता के साथ ऐसा करना चाहते थे कि कोई परेशान ना रहे, कोई आज्ञा मतलब जो मतलब कोई दरिद्र भूखा या आज्ञान या बीमारी का मतलब उसे कोई असमानता का क्या करना चाहते थे, वो अंत करना चाहते थे। यह काम हमारा पूरा ना हो तब तक लोगों के आंसू और कष्ट हम हर हाल में कर हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा, जब तक हम यहाँ के जनता के मतलब आंसू ना रुके या उनको कष्ट दूर ना हो जाए, तब तक हम ये सेवा का कार्य करते। फिर है भारत, नए भारत में सपने किस प्रकार विश्व से जुड़े हैं, वो नए भारत के जो सपने हैं किस तरह से विश्व से जुड़े हैं। नए भारत के जो सपने थे वहां पे दुख और परेशानी पड़े लोगों की और सेवा जो अज्ञान थे, दुखी थे और बीमारियों पर अवसर पर असमानता का अंत करना था। तो नए भारत का जो सपना था वो कैसा था कि जो भारत की जनता है वह कैसी रहे, उनमें दरिद्रता ना रहे, अज्ञानता ना रहे, फिर बीमार ना रहे और वे उनमें असमानता का अंत। वे संविधान निर्माताओं के क्या क्या शपथ चाहते थे, नेहरू जी ने कहा कि एक शपथ हम आज लेंगे कि भारत में सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लोगों को, लाखों लोगों की सेवा करना और असमानता दूर करना। हमारी पीढ़ी में सबसे अधिक महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पोंछने की है। वे इस कथ्य किसका था, कथ्य का जिक्र मतलब था किससे कर रहे थे, वो महात्मा गांधी से कर रहे थे। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके लिए संविधान निर्माण के आपके पाठ के अंतर्गत, कुछ प्रश्न थे, आप इनको अच्छे से आप में पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।